बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के किनारों एजेस और कोनों कॉर्नर्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज बब्बन फिर मुफ्त की मिठाई खाने के चक्कर में अप्पू की दुकान पर आया है। बब्बन ने अप्पू से कहा कि वो उसके साथ एक खेल खेलेगा। वो उसकी कोई भी मिठाई या नमकीन में कितने किनारे एजेस और कितने कोने कॉर्नर्स हैं ये झट से बता सकता है। अगर उसने सही उत्तर दिया तो अप्पू उसे वो मिठाई मुफ्त में खाने देगा, लेकिन अगर वो सही उत्तर नहीं देगा तो वो उस मिठाई के पैसे अप्पू को देगा। अप्पू मान गया। अप्पू ने पहले बब्बन को एक बर्फी का टुकड़ा दिया। बब्बन ने तुरंत कहा, 12 किनारे और 8 कोने। क्या बब्बन का उत्तर सही है? बर्फी का टुकड़ा ऐसा नजर आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने किनारे एजेस और कितने कोने कॉर्नर्स हैं? ये रहे किनारे। कुल कितने किनारे हैं? 12। और कितने कोने हैं? 8। बब्बन का उत्तर बिल्कुल सही है। उसने झट से बर्फी खा ली। अब अप्पू ने बब्बन को एक काजू कतली दे दी। बब्बन थोड़ी देर सोच में डूब गया। बच्चों, क्या आप भी बब्बन के साथ सोच सकते हैं कि काजू कतली में कितने किनारे एजेस और कितने कोने कॉर्नर्स हैं? काजू कतली ऐसी नजर आती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके किनारे एजेस कौन से हैं? जी हाँ, ये इसके किनारे हैं। कुल कितने किनारे हैं? बारह। अब क्या आप इसके कोने कॉर्नर्स पहचान सकते हैं? ये रहे इसके कोने। कुल कितने कोने हैं? 8। बब्बन ने भी इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया और झट से काजू कतली खा लिया। बच्चों, अप्पू का अगला सवाल देखने से पहले, क्या आप इन आकृतियों में से उन आकृतियों को पहचान सकते हैं जिनके कोई कोने नहीं हैं? ये बिल्कुल सही जवाब है। इन आकृतियों के कोई कोने नहीं हैं। अब अप्पू बब्बन की तरकीब समझ गया था। उसने इस बार बब्बन को एक पेड़ा दिया। बब्बन ने ये सोचकर कि इस बार भी उसका उत्तर सही होगा, पहले ही पेड़ा खा लिया। अब बब्बन सोचने लगा। उसने उत्तर दिया, पेड़े का कोई किनारा या कोना नहीं होता है। बच्चों, क्या बब्बन का ये उत्तर सही है? पेड़ा ऐसा दिखता है। क्या आप इसका घुमावदार किनारा पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही। ये रहा पेड़े का एक घुमावदार किनारा, कर्व्ड एज। और कोना? जी हाँ, पेड़े का कोई कोना नहीं होता है। अप्पू ने बब्बन को सही उत्तर समझाया और उससे पेड़े के पैसे ले लिए। आखिर बब्बन को सबक मिल ही गया। बच्चों, इस पाठ में हमने आकारों के किनारों एजेस और कोनों कॉर्नर्स के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।